दोस्तों आज मेरे पास है गूगल एडसेंस से मेरे को दिया हुआ एक खास तोहफा, यानी कि गूगल एडसेंस का लिफाफा दैट इज लेटर्ड। मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन या पिन वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है एरर फ्री, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि कैसे ये वेरिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है और एरर फ्री आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में गूगल एडसेंस में ये वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ऊपर सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके डिमांड पे ये वीडियो आया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है, तो ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनर, आप देख रहे हैं ओनली सिनेमैटिक, सी समथिंग सिनेमैटिक, सी समथिंग न्यू। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज द गूगल एडसेंस पेज। ये जो एडसेंस वेरिफिकेशन फॉर्म आप देख रहे हैं, ये गूगल से डायरेक्ट मेरे को एड्रेस में मिला है। इसके सामने देख रहे हैं कि गूगल एडसेंस का लोगो दिया हुआ है एंड पीछे में आपका एक आइडेंटिफिकेशन सिंबल एंड आपका एड्रेस भी प्रिंट आउट किया हुआ है और ये स्पीड पोस्ट से आपको एड्रेस में मिलेगा। तो इसको जल्दी से जल्दी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रिमूव साइट एजेस फर्स्ट, तो मैं एज को रिमूव कर लेता हूं। एक सिंपल सा कागज का फॉर्म जैसे है, जैसे कि आपको एटीएम का मिलता है ना पिन कोड अपने एड्रेस पे, वही सेम जैसा ही है। तो मैं सब एजेस को रिमूव कर लिया, अब मैं इसको ओपन करूंगा। सो देखिए इसके अंदर जो लिखा है, इसमें स्टेप भी दिया हुआ है कि कैसे आप एडसेंस में ये पिन कोड वेरीफाइड कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पे आपको ले जाके पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। तो आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज माई गूगल एडसेंस अकाउंट एंड आई हैव ऑलरेडी लॉग इन टू माई सेल्फ। एंड आप लोग देख रहे हैं कि वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस ने 14 जुलाई 2020 को ये मेरा लेटर डिस्पैच किया था। अराइव होने में मेरा टाइम लगा 1 month 10 days। इधर देख रहे हैं कि योर पेमेंट्स आर काइंडली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। सो एड्रेस वेरीफिकेशन और पिन वेरीफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक फर्दर पेमेंट्स इन फ्यूचर और टू क्लियर योर पेमेंट्स इन फ्यूचर। सो ये चीज़ बताने से पहले आपको मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं लर्न मोड में क्लिक किया, इधर देखिए एड्रेस वेरिफिकेशन ओवरव्यू डिटेल्स दिया हुआ है। ये एड्रेस वेरिफिकेशन ओवरव्यू से पहले आप अगर न्यू मोनिटाइजेशन आपका एनेबल हुआ है तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बोल के एक वेरिफिकेशन आएगा, वो वेरिफिकेशन में आपको आपका खुद का आईडी पीडीएफ स्कैन करके गूगल एडसेंस में अपलोड करना है और एड्रेस देना है। अगर आपका वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद ही आपका ये एड्रेस वेरिफिकेशन और पिन वेरिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड, व्हेन योर अर्निंग रीच द वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड वी सेंड ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर टू योर एड्रेस। इट यूजुअली टेक 2 to 4 weeks फॉर योर पिन टू अराइव बट इट मे टेक लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। मेरा पहुंचने में टाइम लगा 1 month 10 days। इसके बाद मैं वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड में क्लिक करूंगा। इधर देखिए आपका पिन वेरिफिकेशन होने में वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड है $10, यानी कि आपका एडसेंस अकाउंट में $10 का वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड रीच कर जाए तभी आपको ये वेरिफिकेशन गूगल एडसेंस भेजेगा। तो मैं ये सब क्लोज करके अपना एडसेंस का होम पेज में आ जाता हूँ। देखिए वेरीफाई बिलिंग एड्रेस टाइप करने के लिए मैं फर्स्ट में वेरीफाई में क्लिक करूंगा। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपको जो मैं 6-digit पिन दिखाया था वो पिन यहाँ पर एंटर करूंगा 1 by 1।
ये पिन एंटर करने के बाद आप दिखा रहे हैं कि यू हैव 3 अटेम्प्ट्स टू रिमेनिंग। सो मेरा अगर ये पिन फेल हो तो आपका अभी 2 अटेम्प्ट बचे रहेगा ये वेरिफिकेशन को दोबारा करने के लिए। आपका अगर एड्रेस जेन्युइन हो तो डेफिनेटली आपको पिन 1 टाइम में ही मिलेगा। तो इसके बाद मैं सबमिट में क्लिक करूंगा। देखिए योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, सो मेरा पिन करेक्ट हो गया और मेरा एड्रेस वेरीफाई हो गया 1 टाइम। उसके बाद ये वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ चीज आपको फॉलो करना है एरर फ्री वेरिफिकेशन करने के लिए। सो मैं अभी ये आपको बताऊंगा कि कैसे ये करना है। इसको करने के लिए पेमेंट्स में क्लिक करिए, पेमेंट्स में क्लिक करें, मैनेज सेटिंग में क्लिक करिए। मैनेज सेटिंग में जाने के बाद इधर देखिए नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस में एडिट सेक्शन में क्लिक करिए। मेरा पहले से ही नेम एड्रेस दिया रखा हुआ है मेरा। यहाँ पर देखिए एड्रेस लाइन 1 है और एड्रेस लाइन 2 है। एड्रेस लाइन 1 पे या तो एड्रेस लाइन 2 पे आपका जो फुल जेन्युइन परमानेंट एड्रेस है वो वाला दीजिए, और एड्रेस लाइन 2 पे मेक श्योर दैट यू विल ऐड योर जेन्युइन परमानेंट मोबाइल नंबर टू द एड्रेस लाइन 2। इससे क्या होता है, आपका अगर पोस्ट ऑफिस में ये आ भी जाता है तो आपका पोस्ट ऑफिस से कॉन्टेक्ट करेगा आपको। बहुत लोगों को देखा है कि डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप एड्रेस लाइन 2 पे मोबाइल नंबर दीजिए, इससे आपका डिलीवरी स्मूथ होगा और एरर फ्री होगा। सो डोंट फॉरगेट टू गिव द मोबाइल नंबर इन योर नेम एंड एड्रेस डायलॉग बॉक्स इन एड्रेस लाइन 2। तो ये होता है गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस। आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये वीडियो आप देखने के बाद आप अपनी तरफ से एरर फ्री ये प्रोसेसिंग कर सकते हो, पर आपका एड्रेस जेन्युइन होना चाहिए और मोबाइल नंबर आप एड्रेस लाइन 2 पे जरूर दीजिए। कोई अगर रूरल एरिया में रहता हो जिसमें डिलीवर नहीं होता तो आप अपने पास का पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दीजिए, उसमें भी डिलीवर हो सकता है। सो प्रीटी मच फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब माय चैनल ओनली सिनेमैटिक। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक चीज ये लेटर खोलने के बाद नोटिस किया, अगर मैं धूप में इसको ले जा रहा हूँ तो पिन कोड बाहर से देख रहा है। तो मेरे ख्याल से यही बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब को और भी इसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। अगर आप सिक्योर में भी दे रहे हो एटीएम के जैसा तो बाहर से ये दिखना नहीं चाहिए। इलावा यूट्यूब ये क्लेम करते हैं कि ये जो पिन कोड है ये जिसके नाम पे है उसी चैनल पे सपोर्ट करेगा।